हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो बेहद हमारे इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर चल रहा है, लगभग हम आपको 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे रियल नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे कि आपको पेपर में कोई डर ना लगे। हर एक नए तरीके के जितने भी हो सकेंगे उतने आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। इसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, बस आप डे बाई डे वीडियो को वॉच करें, अच्छे से सीखें और उसको कंठस्थ करें, उनका एक नोट्स बनाएं, ठीक है ना, और उनको प्रिपेयर करें। पेपर में आपको टेंशन नहीं होगी, इस चैप्टर जो भी क्वेश्चन आएगा फटाक से निकाल देंगे। आई बस समझ में क्लियर है ना मेरे भाई लोग, तो परेशान नहीं होना है मैथ्स वाला को। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई बहन लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर जुड़ करके पढ़ें, क्योंकि पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी हमने कवर कर दिया है, जो बोर्ड के पैटर्न से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद जो अब हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चालू कर दिया है, तो रेगुलर वॉच करें और अच्छे से बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अपना करें। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन 16 है, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चंस लगभग 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव के। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट विल गिव्स अस रिमाइंडर ऑफ 5। मीन आपसे ये कहा गया है कि हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, एंड दैट विल गिव अस रिमाइंडर। कितना दिया गया सर? 5 दिया गया, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से समझना ये है आपको, 8 और 9 से क्या दिया, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तरीका भी सिखाऊंगा, ध्यान से मत देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना कैसे। 8 और 9 से क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर होगा। चार ऑप्शन दिए गए आपको, मैं बाई ऑप्शन तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही सिंपल तरीका। तो आपको क्या करना है, 8 9 सभी का रिमाइंडर, मतलब कि ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इनको यदि हम 8 और 9 के बेसिकली नंबर से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैं क्या करूँ, सभी रिमाइंडर 5 को माइनस कर दे रहा हूँ सर, ध्यान से समझना सर। तो रिमाइंडर 5 से क्या, मतलब रिमाइंडर जो 5 आएगा उससे हमने क्या किया, सभी में माइनस कर दिया सर, ठीक है ना। आप देखिए जरा माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, 11 में से 5 गया तो कितना आ गया सर, 6 आ गया, और ये 1 रह गया सर जी, और इसके बाद 9 9 कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर, इसके बाद यहाँ भी करेंगे तो 9 9 कितना आएगा, 2 6 बन जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 9 9 9 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 9 9 4 6 आ गया। बिल्कुल क्लियर। अब ये सर चार ऑप्शन आपके पास आ गए, आपने 5 सके में क्या किया, सबट्रैक्ट कर दी। अब ये वो नंबर होगा जो 8 9 से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। आई बस समझ में, 8 और 9 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो सर जी हम यहाँ पे क्या लगाने वाले, डिविजिबिलिटी रूल लगाने वाले, क्या लगाने वाले सर, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे सर। तो डिविजिबिलिटी रूल सर 8 का क्या होता है जरा चेक करिए, जो नंबर बेसिकली 8 और 9 से कंप्लीटली अब डिवाइड हो गया वही आपका क्या होगा, वो बेसिकली ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। आई बस समझ में, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट या डिवाइड हो जाए 8 से, तो समझ लो डिवाइड। अब देखिए सर 8 1 जा 8 हो गया, क्या हो गया सर, 8 1 जा 8 1 रह गया सर जी, कितना रह गया, 1 रह गया रिमाइंडर। तो फिर से अगेन 8 1 जा 36 हो गया, नहीं कैंसिल है सर, क्लियर। तो 8 से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कैंसिल, क्लियर। अब अगेन यहां से 8 पे डिवाइड करिए, 8 1 जा 8 हो गया सर जी, 8 1 जा अगेन 8 हो गया, फिर इसके बाद रिमाइंडर कितना हो गया सर, 12 में से 8 किया 4 आ गया सर, 46 हो गया, 8 की टेबल में 46 नहीं आता। भाई 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट नंबर यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो होल नंबर जो होता है वो 8 से क्या होता है, डिवाइड होता है। आई बस समझ में, चलिए सर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 9 से हम अभी नहीं चेक करें, जब 1 से हो ही नहीं रहा तो 9 से चेक करने कोई फायदा नहीं। चलिए सर इसको चेक करते हैं, आपका 936 लिखा होगा, 8 1 जो कितना हो गया सर, 8 हो गया, बिल्कुल क्लियर है यानी। अब बचा रिमाइंडर कितना, 13 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया सर, बिल्कुल क्लियर है यानी। रिमाइंडर कितना, 13 में से 8 गया 5 का 50, अरे भैया 8 7 जा 56, लो भाई 8 से क्या हो गया, 8 से चेक हो गया। ओके 9 से चेक करते हैं सर, देखो 9 जरा देखिए सर, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ईच डिजिट, मतलब सम ऑफ ईच डिजिट दैट कैन डिवाइड बाय आपका 9, दैट मींस होल नंबर डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 9 कितना हो गया, 18, 18 प्लस 9 कितना हो गया, 27 हो गया, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 27 9 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 क्या 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है मेरे भाई, 9 4 जो 36 होता है, बोल बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। तो ये ऑप्शन राइट हो गया मेरे भाई लोग, 9 9 4 1 इधर देखो, 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, 9 9 4 1 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इफ यू कैन डिवाइड 8 एंड 9 दैट कैन रिमाइंडर ऑब्टेन 5। ओके बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। ओके यदि आप इसको भी चेक करना चाहते हो, लेट सपोज देखो सर 8 से डिवाइड नहीं है, 8 1 जा 8 हो गया, 14 में से 8 गया, कितना आ गया 66 सर 8 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एनी डाउट। तो ये बाय ऑप्शन चेक करने का तरीका एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने क्या किया सर, इसने बोला था ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपसे पूछा गया था, दैट गिव्स अस रिमाइंडर, जो बोला इसने 5 बोला, तो उसमें से मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर 5
फाइव बोल रहा है तो पांच डिजिट का नंबर निकालना, कुछ रिमाइंडर को सभी में से फाइव किया, ये वो ऑप्शन है, मतलब कि जो एट और नाइन से क्या होंगे डिवाइड होंगे, रिमाइंडर फाइव देगा, तो सभी रिमाइंडर में से फाइव फाइव निकाल दिया, और जो एट और नाइन का मल्टी मतलब डिविजिबल होगा वो जाहिर सी बात है वो आपका बेसिकली क्या होगा ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो एट और नाइन से क्या है डिवाइड हुआ और वही ऑप्शन राइट हो गया, 9941 इज द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके क्लियर, आगे नेक्स्ट सर बोलो, आया समझ में आ रही बड़ा बिल्कुल मस्त उनकी मार का क्वेश्चन है मेरे भाई लोग ध्यान से देखते रहिए मजेदार बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है सर, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ जो है 20 मिनट 25 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली इफ द फर्स्ट बीप मतलब बजना टुगेदर एट 12 नून, ये मान लीजिए पहली बार जो अलार्म क्लॉक 12 नून पे बजता है तो एट व्हाट टाइम विल द बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम अगेन कब बजेगा ये हमें बताना है। तो इसमें आपको देखिए 12 नून दिया गया सर, ध्यान दीजिएगा 12 नून क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना सर, 20, 25, 30 मिनट का क्या करना सर जी, आपको LCM निकालना है, क्या निकालना सर जी LCM निकालना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा 20, 25 एंड क्या लिखा होगा सर जी 36 और 30 लिखा होगा, 20 का फैक्टर देखो 2 2 जो कितना होता है 4 होता है, 4 5 जो तो 2 2 5 हो गया, क्लियर 5 है तो 5 into 5 हो गया सर, नेक्स्ट है 30 2 3 जो 6 हो गया 3 6 5 मतलब 6 5 30 बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे LCM निकालना सर, क्या निकालना LCM फाइंड आउट करेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोला है जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आप LCM फाइंड आउट करेंगे दैट यू कैन नॉट फाइंड SCF ऑफ दैट गिवन नंबर्स। ओके ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, तो LCM फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई लोग, आपसे बोला है विल दे बीप अगेन फॉर फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा सर जी देखो जरा कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कॉमन टेक करते हैं, जैसे 2 हो गया तो अब हाईएस्ट कितना 2 एक दो बार है, 5 कितनी बार है 2 बार है, 3 कितनी बार 1 टाइम है, दैट ऑल यू, तो LCM जो आ गया 20, 25 एंड 30 मिनट का जो आपके पास आ गया वो 2 इनटू 2 आ गया, 5 इनटू 5 आ गया, लास्ट में कितना आ गया 3, तो 2 2 जो 4 4 5 जो कितना होता है, ध्यान दीजिए 4 5 जो 20 25 जो 100, 3 जो कितना आ गया 300 के आ गया सर मिनट आ गया, बोलो क्लियर। अब इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ गया 300 मिनट, आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है आपने पढ़ा है कि 1 मिनट बराबर 1/60 आर होता है, कितना होता है 1/60, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे मेरे भाई लोग 300 को 60 से क्या डिवाइड कर लिया तो 6 5 जो कितना 5 आ गया सर, कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको करना क्या है सर, आपको बताना था कि वो बीप अगेन दोबारा कितने टाइम पर बजेगा, तो 12 में 5 जोड़ दीजिए भाई, 12 बजने के बाद 5 जोड़ेंगे तो 5 बज जाएगा, कितना बज जाएगा 5 बज जाएगा, देखो 5 PM इज द राइट आंसर, तो 12 प्लस 5 आप जोड़ देंगे 5 आर को तो इस तरीके से 5 PM बन जाएगा, बोलो क्लियर है यानी क्लियर, 1 2 3 4 5 5 घंटा जोड़ेंगे मेरे भाई लोग तो 5 PM इज द राइट ऑप्शन, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नेक्स्ट जो फर्स्ट टाइम बेसिकली बीप अगेन बजेगा वो 5 बजे के अलार्म पर बजेगा, बोलो क्लियर हुआ यानी कोई दिक्कत इसमें, बोलो मेरे भाई बोल आया। ओके थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए चमत्कार क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ध्यान से देखते रहिए, लिखा हुआ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 बिकम्स जो है डिविजिबल बाय 36 30 63 एंड 10, अगेन ध्यान से समझना, इन्होंने कहा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 which when increased by 6, मतलब वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें हम इंक्रीज करने 6 से और वो बिकम्स हो जाए डिविजिबल हो जाए 36 से 63 से एंड 108 से, आई वाज समझ में 108 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, तो आपको क्या करना, देखो सर या तो इसका क्या निकालो सर LCM निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए LCM, LCM निकालने के बाद जो नंबर आ जाए उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, ऐड नहीं करना है, क्या करना है 6 माइनस करना, कुछ बच्चा भैया बहन लोग क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं और जब ऐड कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो यहाँ ऐड नहीं करना है बल्कि क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो LCM निकालेंगे 36 का, ध्यान से देखिएगा तो 36 आप जानते हैं 6 जा होता है तो 2 जो 4 9 जा कर सकते हैं 3 × 3 हो गया, बोलो क्लियर, इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लेंगे 63 होता है 7 9 जा दैट मींस आपका 63 तो 3 जा 9 हो गए 7 हो गए 63 आ गया। ओके इसके बाद क्या 108 है 12 आपका 9 108 है ना भैया तो 2 जा 4 ठीक है 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया 12 3 जा 36 हो गया 3 जा 108 हो गया, बोलो आया समझ में नहीं, तो इस तरीके से आपने इनका क्या कर लिया प्राइम फैक्टर कर लिया। ओके बोलो आया समझ में मेरे भाई लोग, क्लियर ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से सिखा जाता है मेरे भाई बहन, ध्यान से समझते रहिए बिल्कुल मजेदार ठीक है ना, अभी हम तुक्का लगा देंगे ना भैया, तुक्का लगा करके अपन कॉन्फिडेंस रहोगे, कॉन्फिडेंस 80 में 80 पाना है तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा भाई, नहीं भैया 2 का 1 3 का 4 ऐसे ऑप्शन टिक लगा करके नंबर नहीं बनने वाले मेरे भाई लोग, आप हमेशा सोच में रहोगे अरे यार मैंने तो सब किया था
इतने आगे, तो ये टेंशन नहीं पालना है मेरे भाई लोग, समझे कि नहीं, नंबर फुल चाहिए तो कॉन्सेप्ट सीखना है, तो एक चीज सिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए। ओके चलिए मेरे भाई बहन ध्यान से देख रहे 36। अब यहाँ पे देखिए सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए सर टू कितनी मार्क्स हमारे कितना है, दो बार है ठीक। इसके बाद मैक्सिमम थ्री कितने बार, तीन बार है सर जी। और अब क्या बचा सर, सेवन सेवन वन टाइम है। तो इस तरीके से एलसीएम आपने फाइंड आउट कर लिया 36, 67, 63 and 108 का, कितना आ गया सर 2 × 2 दो बार हो गया, 3 × 3 तीन टाइम्स हो गया सर जी। और इसके बाद क्या हो गया सर, 7, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 हो गया, 36 × 3 कितना हो गया 108 का टेबल सात बार पढ़े सर, 108 का टेबल सात, 7 × 8 = 56 आ गया। उसमें से आपने क्या किया, 6 को माइनस कर दिया, और जब 6 को माइनस कर दिया कितना आ गया 750। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, तो 750। अब देखो सर आपने एलसीएम निकाला 756 आ, देखो जरा ऑप्शन में बैठा हुआ भाई सर, ऑप्शन में बैठा हुआ है भाई सर, बोलो समझ में आ गए। अब मानो तुम 6 जोड़ देते तो क्या 6 देखो कोई इससे बड़ा ऑप्शन है क्या, नहीं है सर, मैक्सिमम ही है ही। तो ये ऑप्शन अब देखो कुछ लोग ये निकाल दे फटाक से टिक लगा देंगे, नहीं मेरे पास 6 यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ गया 750 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया मेरे भाई। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से देखना सर, बोलो आया समझ में, एनी डाउट। इसमें तीन क्वेश्चंस बड़े मजेदार थे सर, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, कई बार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए 2021-22 में मतलब बड़े धड़ाधड़ आए हुए सर, टर्म वन में बहुत आए ठीक है ना। तो अब चलिए टर्म टू में भी आए, तो इसलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धड़ाधड़ ध्यान से देखते हैं समझना के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस बारीकी से क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, बिल्कुल मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे सर, परेशान नहीं होना है क्यों ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भी क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है बेसिकली 19 हो गया हमारे ख्याल से, ध्यान से देखिएगा सर, लिखा टू नेचुरल नंबर्स, क्या लिखा सर जी, टू नेचुरल नंबर्स, ध्यान से समझिएगा, टू नेचुरल नंबर्स आपका लिखा है सर, टू नेचुरल नंबर्स। आगे लिखा है हूज सम इज 85, क्या लिखा सर, हूज सम इज 85 ठीक, हूज सम इज 85 है। एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा सर, एंड लीस्ट आपको दिया गया है कॉमन मल्टीपल, क्या लिखा है सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका राइट डाउन किया आपने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102 इज ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, क्या है सर, ठीक है 30 and 55, ऑप्शन नंबर बी है 17 and 68, नेक्स्ट है 35 and 55, एंड ऑप्शन नंबर डी है 51 and 34। ये बेसिकली ऑप्शंस आपके क्या आंसर गिवन है। तो टू नेचुरल नंबर्स हूज सम इज 85 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102 इज, ठीक है ना, ध्यान से समझना सर, 30 and 55, 17 and 68, 35, 55, एंड ये समथिंग कुछ लिखा हुआ है क्लियर। अब यहाँ पे बात है सर, ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करें, मैंने कहा बड़े इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है यार, बेटा बोला सर क्वेश्चन समझते हैं, लिख रहे हैं कि दो टू नेचुरल नंबर्स, भैया नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर कहाँ है, दो नेचुरल नंबर, अरे ये लिखे हुए हैं ऑप्शन में, जरा देखिए ये लिखा 30 and 55, 17 and 68, 35, 55, 51, 34, ये वो नेचुरल नंबर है जिनका सम करने पर क्या है 85 आ रहा है, जरा जोड़ करके देखो भाई 50, 30, 85 आ रहा है, 8, 7, 15, 6, 1, 7, 85, मतलब इन सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है सर 85। ये वो नेचुरल नंबर, लेकिन इनमें से देखो सभी का सम 85 पर है, लेकिन इसने ऑप्शन में हमसे ये कहा है कि सर जी इनका लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा वो 102 होगा, तो मतलब क्या करते हैं सर, जो आप ये नंबर दिए गए ना, यदि हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं जिसमें लीस्ट मल्टीपल 102 मल्टीप्लाई में आ गया, तो वो समझ लेना वही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बात समझ में आया कि नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास ये दो नेचुरल नंबर दिए गए हैं, दो नेचुरल नंबर का सम करने पर 85 आ रहा है, चार ऑप्शन में ठीक है ना। अब हमें देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है 102 में मल्टीपल में आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 102 है, जिस पर्टिकुलर नंबर का दोनों नंबर का एलसीएम निकालने पर वो आएगा, वही समझ लेना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। ओके चलिए सर देखिए 30 and 5 का सर एलसीएम निकालते हैं, 30 and 55 का, ध्यान से समझ लो, 30 का निकालेंगे सर, 30 का प्राइम 215 है ना, 2 × 3 = 6, 5 = 30, 55 का क्या होता है सर 5 × 11 होता है सर, एलसीएम आपने फाइंड आउट किया 30 and 55 का, क्या बन करा के सर, देखिए सर 235, तो 230 हो गया, 30 का टेबल 11 बार पढ़ लिया, 11 × 3 = 30, क्लियर हो गया सर जी। तो इसमें 102 का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, बोले बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन राइट नहीं हो सकता, क्लियर, 2 × 3 = 6, 55 बनना सर, 6 × 55 बनना, ज़्यादा ज़्यादा बना तो ये भी बन रहा है, क्लियर, तो 102 इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर बी पे चेक करते हैं, 17 and 68 सर, 17 एलसीएम जरा देखिए, 17 और 68 का, 17 का क्या हो गया सर, 17 ए रहेगा, 17 फोरजा होता है, ध्यान दीजिएगा, 17 फोरजा 108 होता है, तो अगेन आपका ये देखो सर 68 ही इसका एलसीएम होगा, कितना होगा सर 68 एलसीएम, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया सर, रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी पे चेक करते हैं सर, देखिएगा 35 का एलसीएम निकाल, 35 का प्राइम फैक्टर करें 57 से 55 का करें तो कितना आएगा सर जी 5 × 11 आएगा सर, अब देखिए जरा इसमें भी क्या कोई लिस्ट कॉमन मल्टीपल बन रहा 102 नहीं बन रहा सर, एलसीएम आप देखें 5 होंगे या 5 × मतलब समथिंग आ रहा है, 35 and 55 का एलसीएम जो आ रहा है 5 × 7 × 11 आ रहा है सर, तो 5 × 77 आ रहा है, 102 तो बन ही नहीं रहा सर, तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बचा सर डी ऑप्शन, कौन सा बचा सर डी ऑप्शन, देखिए सर आगे डी ऑप्शन में देखिए सर प्राइम फैक्टर करेंगे 17 3 जा 17 3 जा 3 17 51 और इसके बाद 34 का किया 2 × 17 34, देखिए सर एलसीएम बनने जा रहा सर, आप देखिए सर एलसीएम ऑफ 51 एंड 34 का एलसीएम देखें तो आपके पास 2 3 और 17, आपको पता है कि 2 3 जा 6 17 जो कितना होता है 102, देखिए सर एलसीएम आगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया 102 एज, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया डी ऑप्शन आ गया, किसी में भी बेसिकली आपको कॉमन मल्टीपल 102 नहीं बना, लेकिन लास्ट ऑप्शन में बन गया सर 15 and 34 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दो ये नेचुरल नंबर है जिनका सम 85 है और इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम जो है 102 है, बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें इस क्वेश्चन में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे भाई लोग, बोलो आगे समझ में, तो इस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं बाय ऑप्शन, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, ओके, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक, चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, मजेदार बिल्कुल चकाचक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार आएगा, अभी देखिए क्वेश्चन को देखिए और सीखिए और अच्छे से समझिए मेरे भाई बहन लोग, मजेदार इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा बना देंगे, बस ध्यान से देखते रहिए, कोई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 20 नंबर है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लिखता हूँ सर ध्यान दीजिए, लिखा है सर ए फॉरेस्टर जो है फॉरेस्टर ये सर ए फॉरेस्टर वन टू प्लांट लिखा हुआ सर 66 एप्पल ट्रीज है भैया, कितने एप्पल ट्रीज है भैया लोग 66 एप्पल ट्रीज है, लो भैया आगे बोल रहा है 88 बनाना, वाह क्या बात है, सरप्राइज हो गया भैया, 88 क्या लिखा है बनाना ट्रीज, ओके आगे लिखा है 88 बनाना ट्रीज, और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड 10 क्या लिखा है 110 मैंगो ट्रीज, 110 मैंगो आपका लिखा हुआ है ट्रीज आपका, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट लिखा है इन इक्वल रोज लिखा है, इन इक्वल रोज आपका रेड डाउन है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे ये कहा गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, क्या लिखा हुआ सर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, इसके बाद लिखा है आल्सो ही वांट टू मेक डिस्टिंक्ट रोज, आल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, अब आगे उन्होंने लिखा दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज इन वन रो, ट्रीज इन वन रो, आगे लिखा है द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड आर, द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड आर, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 10 एंड ऑप्शन नंबर डी 12, क्लियर, देखिए भैया बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन आप लोग मदद करेंगे तो जरूर आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड ला सकेंगे, बस आप लोग मदद करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में हमारे चैनल को बेसिकली मतलब खुद सब्सक्राइब करिए और लोगों में भी भेजिए, जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा बना देंगे मेरे भालू, बिल्कुल कह रहा हूँ सिंपल कसम ऊपर वाले, ठीक है मेरे भाई, पर ध्यान से सीख करिए, लिखा क्या हुआ सर ए फॉरेस्टर वन टू प्लांट 66 एप्पल लिखा, ट्रीज लिखा 88 बनाना सर, लिखा 110 मैंगोज इन इक्वल रोज लिखा हुआ सर,
आगे लिखा है भाई साहब ने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज आल्सो ही वांट टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज दैट मींस ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज इन वन रो एंड द नंबर ऑफ मिनिमम रोज आर रिक्वायर्ड आप निकालना है। तो सर जी आप यहाँ पे बात है सर क्या निकालने वाले हैं, तो सबसे पहला काम है सर प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे सर 66 का प्राइम फैक्टर आपने पढ़ा होगा 2 3 6 इंटू क्या होता है सर 11 होता है ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्या 88 बनानास ट्रीज लिखा, क्या लिखा है 88 बनानास लिखा हुआ है, तो इसका करेंगे मतलब 2 2 4 2 8 और इसके बाद कितना गया आपका 11 आ गया है ना भाई 2 2 4 2 8 इंटू 11 88 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 110 है सर तो 2 5 10 हो गया इंटू कितना गया सर 11 आ गया। बोलो आया समझ में आने के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना होता है सर जी क्वेश्चंस फाइंड आउट करना था, तो आपने क्या कर लिया सर जी ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। बोलो क्लियर हो गया, तो 66 आ गया 88 आ गया और 110 आ गया। बोलो आया समझ में। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे SCF निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे SCF निकालेंगे SCF ऑफ 66 88 एंड इसके बाद 110 क्लियर। तो जरा देखिए सर 11 सभी में क्या है सर कॉमन है 11 हो गया सर, एक आपका 2 सभी में कॉमन है बाकी तो और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा सर क्लियर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 2 दैट मींस कितना आ गया 22 आ गया। अभी से 22 दैट इज नॉट नंबर ऑफ रोज नहीं है, क्या निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो जो आपके पास SCF आया है उसे इंडिविजुअली हर एक पर्टिकुलर टर्म को क्या करेंगे 66 एप्पल से डिवाइड कर देंगे तो आपका 22 हो गया प्लस आपका जो है 88 आपका है 88 अपॉन कितना हो जाएगा सर 22 हो गया प्लस 110 अपॉन 22 हो गया क्लियर। इस तरीके से मिनिमम नंबर आप जब भी रोज को फाइंड आउट करने की बात आएगी तो आप इस तरीके से क्या करेंगे सर फाइंड आउट करेंगे। तो 22 का टेबल 3 बार पढ़ा, 22 का टेबल 4 बार पढ़ा, 22 का टेबल 5 बार पढ़ा, तो 3 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 5 हो गया, 3 4 7 5 कितना हो गया 12। तो 12 नंबर ऑफ रोज जो है बेसिकली आपके होंगे जो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर फाइंड आउट करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। तो पहले आप क्या निकालेंगे जब इस तरीके से रोज को फाइंड आउट करना होगा, देखो सर प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। यदि आप सोचें अरे यार चलो ये ऐसा होता हो जाएगा, आप सर ऐसे कर जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब आप बार बार क्वेश्चंस को लगाएंगे समझेंगे अच्छे से तब ये चीज होगा। आई बस समझ में। तो ये फॉरेस्टर 1 2 प्लांट लिखा 66 एप्पल ट्रीज 88 बनानास एंड 110 मैंगो इन इक्वल रोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डे आल्सो ही वांट टू मेक अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज एंड दैट मींस ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज इन वन रो तो नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड बताना था। तो इस तरीके से पहले एससीएफ फाइंड आउट करेंगे और फिर नंबर मिनिमम नंबर रोज को क्या करेंगे जो टोटल दिया उससे एससीएफ डिवाइड कर देंगे तो उस केस में आपके पास क्या जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ रोज आ जाएगा। बोलो आगे समझ में। तो ये थी आज के बेहतरीन 5 क्वेश्चंस, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 के साथ। हमने कहा है कि आपको लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे एक एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल चॉइस के ओके, और जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा भाई क्लियर है कि नहीं ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है नेक्स्ट मतलब क्वेश्चंस के साथ, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिन लोगों ने भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे भाई बहन लोग आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर पढ़ने को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पाए और उसके प्रीवियस में सारे एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के कवर कर दिए गए हैं ओके। इतना पढ़ लेंगे 80-80 ऑब्टेन जरूर करेंगे मेरे भाई बहन लोग क्लियर है, विश्वास करें भोले बाबा की कृपा से ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मार्ट वीडियो। थैंक यू।